ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री तोमार को चिट्ठी लिखी थे कि से चिट्ठीर उल्लेख कहीं रहा ना एपाय रहा ना कारण श्री तोमार जानी भला भावे जदि से उल्लेख करते कौनसी ना कौनसी जगह एटा स्पष्ट हो जाता जे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक प्रेसर जो चाप जो फलोअप जो केन्द्र सरकार को फसल बीमा योजन जो अर्थ को से ब्लक कर रखी थे अटक रखी थे से अर्थ को रिलीज करने पड़ो दबा को पड़ो। द्वितीय विषय भारी आश्चर्य विषय जिते ओडिशार कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अतनु सभ्यसाची नायक 9 नवंबर 2022 रे माननीय श्री तोमार को भेटुचंती से व्यक्तिगत भाव में फसल बीमा योजना पर आवेदन करुचंती डिमांड करुचंती कि ओडिशार चाषी को मिलू बोली कहीं से विषय भी तो कौन सी उल्लेख ना कहीं चिठीर उल्लेख कले श्री तोमार कौन लुचेवाई चाहती या लुचे चाहती कि माननीय मुख्यमंत्री एवं ओडिशार मंत्री जो बारंबार फॉलोअप रही बारंबार प्रचेषा रही कि ओडिशार चाषी मैंने फसल बीमा पातु पाऊना आप ब्लक कर रखिंट अटक रखिंट से दयाक दिंतु से कौन ना कौन जगह गौण कर चेष्टा ये चिठी करोटा पाई चिठीर स्पष्ट करागला ना माननीय श्री तोमार चिठी आगे आश्चर्यपूर्ण विषय अच्छे से आश्चर्यपूर्ण विषय कौन से निजे स्वीकार करचंती चिठी श्री तोमार जे 7 नवंबर 2022 रे टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी केन्द्र सरकार ऑर्डर पास कले फसल बीमा योजना बाबद को जदि 7 नवंबर 2022 रे टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी केन्द्र सरकार कृषि मंत्रालय ऑलरेडी पास कर सारी ऑर्डर तेल 15 नवंबर 2022 रे कहीं माननीय केन्द्र मंत्री श्री तोमार ट्वीट करके कहले मुझे निर्देश दे इंश्योरेंस कंपनी मैंने पैसा दिंतु जदि 17-7 तारीख दिन ऑर्डर पास हो जाता तेल 15 तारीख दिन माननीय मंत्री कहीं प्रकार ट्वीट कले पदमपुर बासी जेहेतु जानी अबिका निर्वाचन चली श्री तोमार बोधे जानी कि पदमपुर अबिका उपनिर्वाचन चली से उपनिर्वाचन को प्रभावित करने प्रकार वक्तव्य दिगलानी तो राजनैतिक फायदा नाप दिगलानी तो ते 17 दबार था 7 तारीख कही पारि था जोटा कि से निजे स्वीकार करुंट टीएससी ऑर्डर आसाला केन्द्र सरकार 15 तारीख कहीं गोटे विषय स्पष्ट केन्द्र सरकार फसल बीमा योजन बहुत खराब अवस्था छंदी हो पड़ते यू छंदी हो पड़ते फसल बीमा योजन से फसल बीमा योजना को अटकई एटा पदमपुर चाषी और ओडिशार चाषी भल भाव बुझीगले जाणवा सत्वे से माने ए प्रकार जो आज चेष्टा करुचंती ए प्रकार एक चिठी लिखुचंती ए चिठीर केवल एक विषय रोची केमती डाइवर्ट करिवा आमे धरा पड़ जाइछु धरा पड़ गला परे केमती लोकलोचन रु अलगा विषय टी को आनिवा सेटा होची यार प्रचेष्टा गोटे जिनस स्पष्ट हो जाइछि माननीय केन्द्र मंत्री चिठी सेटा होची जे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एटा एक केन्द्रीय योजना ना अनुसार केन्द्र सरकार ही निष्पत्ति करि परिवे से निजे चिठी में स्वीकार करुंकि आज्ञा हायर लेवल हूँ आपणकर टीएससी से निजे स्वीकार करमे निर्देश दवारु इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करुंपाई पदमपुर चाषी मैनेशार चाषी मैंने आज बुझीगले कि आज्ञा फसल बीमा योजनाटापी चेष्टा किए करुला माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक अटकई किए केन्द्र सरकार एवं ये स्पष्टोक्ति आसी जा सेतले भारतीय जनता पार्टी अड़ुआ पड़ जाएसावासी सामने चाषीकूल सामने गोटे विषय खाली आम कहूँ द्वितीय प्रसंग को जीव यो नीति गुड़िक अवलंबन करो भ्रमित करने जो डाइवर्ट करने चेष्टा कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओडिशार चाषी को एवं विशेषकर ओडिशार चाषी को लेकिन जो प्रकार राजनीति और राजनीतिकरण करत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं विजु जनता दल दृढ़ भाव आम या निंदा करुचु आम आशा करुचु जे राजनीति करिवार अनेक प्रसंग रही चाषी को तो छाड़ दिंतु भारतीय जनता पार्टी चाषी कूल को तो छाड़ी आज राजनीति कर फसल बीमा योजना आप अटकईदे जो प्राप्य आपर अटकईदे तापर ए प्रकार चिठी खंडक लिखिकी आप निजर मुंडर अठा विजु जनता दल मुंडर जो मारे चाहूँ एटा ग्रहणीय नुह
ना ओडिशावासी ग्रहण करुछंती ना ओडिशार चासी ग्रहण करुछंती ना पदमपुर चासी ग्रहण करुछंती। द्वितीय प्रसंग को जीवा आज भारतीय जनता पार्टी पक्षर एक प्रेस मीट कराइला से प्रेस मीट्रे कि वक्तव्य रखाला एवं से वक्तव्य को लेकर विजु जनता दल तार मत रखा चाहिए। यह अत्यंत हास्यास्पद विषय जो विषय टी आज भारतीय जनता पार्टी उत्थापन करछि आम मानक सम्मुखें कौन ना भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन मानकरे ओडिशा विधानसभा घेराव करिया को जाउछि धारणा देवा को जाउछि। आमे अनुरोध करिवु भारतीय जनता पार्टी बंधु मानंकु कि सेमन टिके मने पकांतु केन्द्र रे सरकार कहार अछि भारतीय जनता पार्टी जदि सतरे तकर मन अछि कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आज केन्द्र रे अछि से मैंने ये प्रसंग गुड़िक आणुंट कृषक चाषी प्रसंग ए चाषी प्रसंग गुड़ाई धारणा न देकरी जदि पार्लियामेंट सामने संसद सामने धारणा दिंते हो पारे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार रही टे चेता फेर जो दीर्घ निद्रा से शपड़ केन्द्र में चाषी मानकर हक एवं दाबी को अणदेखा करपे संसद सामने भारतीय जनता पार्टी बंधु मैंने जा धारणा दे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो रही तार टिके निद भांग जो प्रसंग गुड़िक आज रखाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कौ प्रसंग थिला प्रथम विषय थिला आपणकर प्रोक्योरमेंट को लेकर आपणकर पैडी प्रोक्योरमेंट रही धान संग्रह चावलर जो लिफ्टिंग रही तार जो इवाक्युएसन प्रोसेस रही पार्बल्ड राइस आपड़ नौनाहांती ओडिशा रु एमएसपी जो दिया कथा एमएसपी जो फिक्सिंग रहा कथा केते तार प्राइस क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा योजना रही प्रसंगे प्रकार चासी भित्तिक जो प्रसंग रोचे चाष भित्तिक प्रसंग रोचे यार संपूर्ण निर्णय किए नि केन्द्र सरकार नि भारतीय जनता पार्टी बंधु मैंने पार्लियामेंट और संसद जेहेतु डिसेंबर आरंभ हो शीतकालीन अधिवेशन जदि से धारणा दिंते हेले मत केन्द्र सरकार चेता पसंदा। आउ गोटे विषय एटा से भारतीय जनता पार्टी थिला ना जी कि मान्यवर विधायकों द्वारा 2018 रे ओडिशा विधानसभा रे सर्वसम्मति क्रमे समर्थन करथिले विजु जनता दल विधायक एवं कांग्रेस विधायक एवं समस्त विधायक मिसिकिरी 2018 रे ओडिशा विधानसभा रे एक रेजोल्यूशन पारित करथिले कि एमएसपी 2930 टका करा जाउ से भारतीय जनता पार्टी तो यदि सेते बेले 2018 रे एही भारतीय जनता पार्टी रो बंधु माने भारतीय जनता पार्टी रो विधायक माने मान्यवर विधायक माने से माने विजु जनता दल रो विधायकों सहित कांग्रेस रो विधायकों सहित सर्वसम्मति क्रमे ओडिशा रो विधानसभा रे से माने 2930 टंका एमएसपी दिया जाओ बोली चासी को दाबी करथिले तले से दाबी गला कुआडे से दाबी को लेकिन आम अनुरोध करू केन्द्र सरकार को पाखु जातु धारणा दिंतु संसद सामने एवं कहतु आज्ञा आम समस्ते दाबी करूँ 4 वर्ष तले कि 2930 टका एमएसपी हम एमएसपी आप कले आम सब विधायक मान भी कौन जाशावासी को केवे भारतीय जनता पार्टी विधायक विजु जनता दल विधायक और कंग्रेस विधायक मिसिकी 2930 टका डिमांड कलु कितु आज आम 2930 टका आम मुह खोलूना ये प्रसंगटा मध्य चाषी मैंने जानापे चाहते ओडिशार आम आशा करुचु ये प्रसंग को लेकर से संसद सामने धारणा देवे एट से ही भारतीय जनता पार्टी थी ना जे तक मैनिफेस्टो कही जब सरकार को आम आसवा आम एमएसपी को देढ़ गुण वृद्धि करदेबा देढ़ गुण वृद्धि करदेबा प्रोडक्शन कॉस्ट यही भारतीय जनता पार्टी थी देढ़ गुण तो वृद्धि है कि है से मैंने कही स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट अनुसार हम स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट कौन सी टू वैल्यू अनुसार हम है ना यही भारतीय जनता पार्टी थी ना जे कही कि स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट रु सुपारिश को आम कार्यकारी करूँ कले कि कले ना यदि एत सब जिनस केन्द्र सरकार करना तेज अनुरोध करूँ भारतीय जनता पार्टी ओडिशार बंधु मानक ए सब प्रसंग को लेकर संसद सामना को जातु से धारणा दिंतु एवं निजर भारतीय जनता पार्टी जो रही केन्द्र सरकार टिके आउ थे निद्रु उठातु कहतु आज्ञा ए सब गुड़ाक आम आश्वासना देशावासी को 8 वर्ष होगला आम सरकार अच्छा केन्द्र में अभी पर्यटन ओडिशार चाषी मैंने अपेक्षा करुंट आज पर्यटन आमको दे पार्लुना से मानू आम कौ मुहर जीवु केमती जाए धारणा दबू ओडिशार विधानसभा सामने से आम संसद को आसीचु संसद सामने दूचु
ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କଥା ଆସୁଛି, ସାର କଥା ଆସୁଛି, ସାର ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ ନିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଏ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ ନିଏ? ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି, ସିଏ ନିଅନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ 2019ରେ କିଏ ଅଟକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ ସାରିବି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରହିଲାଣି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଜାଣିଗଲେଣି, ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା'ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, ଚାଷ ବିରୋଧୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, MSP କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ସେଇଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରହେଳିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ, ପଦମପୁରର ଚାଷୀମାନେ। ଏବଂ ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରହେଳିକାର କୌଣସି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲେନି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆଉ ପ୍ରହସନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସଂସଦ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଠି ଯାଇକରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ କି ସତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନୈତିକତା ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସର ଉପରକୁ ଦେଖେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି? ତା'ର 61 ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସହିତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଏ ତଥ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପେଜ୍ ନମ୍ବର 61, ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଜ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ୱାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ବାଇ DAC ଆଣ୍ଡ FW, ତା ମାନେ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛି? DAC ଆଣ୍ଡ FW। ଏ DAC ଆଣ୍ଡ FW କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଏ DAC ଆଣ୍ଡ FW ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର, କୃଷି ଭବନ, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। କୃଷି ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ୍ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ 61 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଳଜଳ କରିକି ସେମାନେ ବୋଲ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ୍ କଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲମେଣ୍ଟ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି? ଏ କାଗଜ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ।